से चैप्टर को रिवाइज करवा रहा हूं कि पढ़ते पढ़ते कहीं तुम लोग भूल ना जाओ। तो देखो क्वेश्चन कई तरीके के मिलेंगे आपको एडमिशन चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर वन क्या मिलेगा, उसमें लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि गुडविल जो है प्राइवेटली आ रही है। क्या रही आ रही है? तो आप क्या गारंटी बनाओगे भाई? हाँ जी, नो जर्नल एंट्री, कोई गारंटी नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर टू लिखा हुआ होगा कि गुडविल जो है वो कैश में आ रही है और बिजनेस में रिटेन्ड है। जल्दी बैठो, तो इस क्वेश्चन में बताओ क्या करते हैं हम लोग, इसमें कैश लेकर आते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को गुडविल का पैसा देते हैं, बस सिर्फ ये रहता है। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या होता है, गुडविल का जो हिस्सा है वो कैश में ला रहा है, कैश इन। उसके बाद क्या होता है, विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से क्या हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, पहले गुडविल का पैसा लाएंगे, फिर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे देंगे, और फिर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। याद आ गया? क्वेश्चन नंबर चार में क्या लिखा होगा कि गुडविल का पैसा तो है पर वो कैश में नहीं ला रहे, वो काइंड में ला रहे हैं, यानी जितना लाना है पैसा उतना कैश लाने की बजाय उतने के एसेट्स, उतने के स्टॉक, उतने के डेटर्स, उतने के बीआर वगैरह ला रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, कुछ दिक्कत नहीं है, ले आए ले आए। तो आप कैश अकाउंट डेबिट करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट करते थे, अब वो स्टॉक अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट, बीआर अकाउंट डेबिट, जो ला रहा है वो डेबिट। समझ में आ गया? क्या आने वाला पार्टनर गुडविल भी ला सकता है? बताओ, ला सकता है, ला सकता है। किसी क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है कि नए वाले पार्टनर से, नए वाला पार्टनर जो आ रहा है वो 1,00,000 रुपए दे रहा है, 1,00,000 रुपए में 10,000 रुपए उसकी अपनी गुडविल है, तो फिर गुडविल अकाउंट डेबिट भी कर देना साथ साथ। क्या कर देना? ठीक, यहां तक हमने कर लिया है बोलो। और आज हम क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, पार्टली ब्रिंग इन कैश एंड फॉर पार्टली ही इज अनेबल, ये आज हमने करना है। यानी कि मान लीजिए कि जो फर्म की गुडविल है वो 30,000 है और सी जो शेयर आ रहा है, सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, ए बी का शेयर है 3/2, ठीक है, तो सी के हिस्से की गुडविल बताओ कितनी बनती है, सी के हिस्से की गुडविल बनती है 30,000 का 1/5, यानी कि क्वेश्चन में लिखा है कि वो इसका 40% ला रहा है और 60% नहीं ला रहा, ठीक है, ही इज ब्रिंगिंग 40% ऑफ 6,000 एंड फॉर रिमेनिंग ही इज अनेबल, और बाकी के लिए वो अनेबल है, नहीं ला पा रहा है। बोलो समझ में आया आप लोगों को, ये है क्वेश्चन। तो इसके लिए कैसे करते हैं ये सिखाने जा रहे हैं आज हम आपको, तो आइए सिखाते हैं। सबसे पहले जरा मुझे बताइए सी का हिस्सा कितना बनता है, सी का शेयर ऑफ गुडविल बताइए, 6,000 के दो हिस्से बच्चों, एक एबल एक अनेबल, कितने लाया कितने नहीं लाया, समझ में आ गया? तो इसका तो वही होगा कि वो कैश में ला रहा है, रिटेन्ड है, कैश में ला रहा है, रिटेन्ड है, या कैश में ला रहा है, विड्रॉन है, समझ में आ गया आप लोगों को, वो होगा।
और इसका आप अभी तक जानते नहीं, वो सिखाना है आपको। लेकिन याद रखिए सभी केसेस में, यहां तक सभी केसेस में, हर नए पार्टनर को अपने हिस्से की गुडविल देनी है पुराने पार्टनर्स को, सॉरी पुराने पार्टनर्स को नहीं बोलना चाहिए मुझे, पुरानों में से जिन्होंने सेक्रीफाइस करा उनको। बोलो सही है। तो इसलिए पेमेंट तो होगा, यह भी पेमेंट होगा और यह भी पेमेंट होगा। कैसे, आइए देखें। सबसे पहली एंट्री बोलो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना, किस नाम से, सही है। दूसरी एंट्री प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, बोलो सैक्रिफाइजिंग कौन है यहां पर, और टू बी, कितना, बोलो कितना आ जाएगा, और सही है। अब कितने पैसे नहीं लाया वो, तो ये पैसे तो देने ही है, किसको देने हमने, तो ये पैसा इनमें बट जाएगा सैक्रिफाइजिंग रेशो में, किस रेशो में, तो ये कितना मिलेगा ए को, कितना मिलेगा बी को, इनकी सैक्रिफाइजिंग रेशो में। सैक्रिफाइज रेशो क्या है, तो इसे हमने इसी रेशो में बांटा था और इसको भी सैक्रिफाइजिंग रेशो में ही बांटेंगे। तो सैक्रिफाइज रेशो कितना कितना आएगा बताओ जरा, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया टू ए और टू बी, ठीक है। डेबिट कौन होगा, अगर ये अनेबल है ना, तो हम अनेबल होने पर जो नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट होता है उसे डेबिट करते हैं, याद रहेगी बात। तो यानी क्या लिखेंगे, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो इन दो एंट्रियों से ए बी का पेट भर गया, कितने पैसे मिल गए ए बी को, पूरे 6000, पूरे 6000। अगर 3:2 की रेशियो से मिलते तो कितने कितने मिलते, ऑटोमेटिकली उतने पैसे मिल गए, समझ में आ गया। अब इससे कैपिटल पर क्या फर्क पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है कि सी की कैपिटल डेबिट बैलेंस हो गई, क्या हो गई। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, क्या है क्वेश्चन में, तो याद रखिएगा आप लोग यहां पर टू प्रीमियम टू एज कैपिटल अकाउंट मत लिखिएगा, क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट, और यहां पर सी का करंट अकाउंट, और यहां पर ए का करंट अकाउंट, और यहां पर बी का। ये बात सभी को समझ में आ गई बच्चों, क्लियर है। अब आप इसे उतार लीजिए और फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चंस अब हम टीएस ग्रेवाल से करने वाले हैं, इन्हें उतारने का मौका दीजिए।
एक ना कितना आएगा यहां पर 3-2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये आएगा 2160। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं सबने उतार लिया होगा। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाएं। 33 क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल का 33। कहता है एक्स वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल है, तो रेशो क्या है स्टूडेंट्स, ओल्ड रेशो क्या है, बोला करें सभी लोग। वेरी गुड, इक्वल 1:1 है। दे एडमिट जेड फॉर 1/4 शेयर्स बाय पेइंग 5000 आउट ऑफ शेयर 9000 ऑफ गुडविल। तो जेड को उन्होंने लिया है 1/4 शेयर के लिए और बाय पेइंग 5000 आउट ऑफ इस को अंडरलाइन करो। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है कि वो 9000 में से 5000 रुपए लाया है। नहीं समझे तो जैसे तुम्हारे आते ना 100 में से जो नंबर आते हैं 33 नंबर आते हैं तो तुम क्या बोलते हो, 33 आउट ऑफ, क्या बोलते हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम लोग कितने आराम से ट्रांसलेट कर रहे हो, हाँ जी 33 आउट ऑफ 100। कोई भी बच्चा भी नहीं कह रहा कि नहीं सर हमारे नंबर कभी नहीं आए आज तक। तो अगर 60 आएंगे तो बोलते हो ना आप 60 आउट ऑफ, हाँ तो 5000 आउट ऑफ इस 9000, यानी कितने लाया और कितने नहीं लाया सामने देखें, कितना एबल है कितना अनेबल है। 5000 में से वो लाया और 9000 में से वो लाया कितने, हाँ जी 9000 में से 5000 तो लाया 4000 नहीं लाया, यही कहानी है। गुडविल ऑलरेडी अपेयर एट 30,000, अंडरलाइन करें इसे। अगर गुडविल ऑलरेडी अपेयर होती है तो हम उसे डिसअपेयर करते हैं, क्या करते हैं हम उसे, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें डिसअपेयर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिसअपेयर करना पड़ेगा, पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो इन सब की एंट्री करने से पहले कौन सी एंट्री होगी बोलो, राइट ऑफ करने की गारंटी हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम राइट ऑफ करेंगे, उसके बाद 5000 रुपए पैसा आएगा, उसके बाद ये 5000 रुपए पुराने पार्टनर्स में बांट देंगे किस रेशो में, और फिर उसके बाद जो 4000 रुपए अनेबल हैं वो भी हम ट्रांसफर कर देंगे किस रेशो में। सबको आ गई ये बात समझ में, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आइए देखते हैं, गिव गारंटी टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, मैं करूं या आप मुझे करवाएंगे, आप मुझे करवाओगे, चलो करवाओ, बताओ सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, सबसे पहले जो ओल्ड गुडविल है उसे राइट ऑफ करना चाहिए। ओल्ड गुडविल कितनी है बताओ, ठीक है, गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए मैं गुडविल डेबिट करूं या क्रेडिट करूं, गुडविल क्रेडिट करूं, इसे राइट ऑफ हो जाएगी, क्योंकि जितनी भी एसेट्स होती हैं, जितनी भी वो सब डेबिट करने से इंक्रीज होती हैं और क्रेडिट करने से, तो अभी राइट ऑफ करना है तो गुडविल को क्रेडिट करूंगा, इसलिए 2। कितने से राइट ऑफ करना चाहता हूं, कौन सी गुडविल है ये, ओल्ड, कौन सी है, समझ में आ गया, बोलो क्या, ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में, तीनों क्या होने चाहिए, ओल्ड। तो ओल्ड पार्टनर्स क्या है इसमें, क्या नाम है इन लोगों के, एक्स और वाई, यहां पर आपको लिखना चाहिए एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, मैं बच जाता हूं, ठीक है। और किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो क्या थी, नरेशन लिख लेंगे, क्या लिखेंगे,
being goodwill written off at the time of admission of new partner, ठीक है, which is already appear in the balance sheet, which is, ठीक है, तो जो appear है उसे हम write off कर रहे हैं. अब इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 2, प्रीमियम अकाउंट. नरेशन में क्या लिखेंगे, प्रीमियम लेकर आया, कौन लेकर आया, तो बीइंग प्रीमियम ब्रॉट बाय मिस्टर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ हिज एडमिशन. अब प्रीमियम क्या कर देंगे हम लोग, और ये किसको देंगे आप लोग, क्या नाम है उनके, एक्स और वाई. तो यहां पर आप लिख दोगे एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में बांटेंगे, सैक्रिफाइजिंग रेशियो में. सैक्रिफाइजिंग रेशियो नहीं दिया होता तो बताओ किस रेशियो में करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि जो ओल्ड रेशियो था वही सैक्रिफाइजिंग रेशियो है. तो कितना कितना आ गया, बोलो सही है. अब इसके बाद ये एंट्री तो कर दी, कौन सी एंट्री रह गई है बताओ, कौन सी एंट्री रह गई है, अनेबल वाली एंट्री करनी है. अनेबल वाली एंट्री करने के लिए क्या किया जाता है बोलो, जिसको देना है उसे दे दीजिए, किसको देना है, कितने पैसे देने हैं, किस रेशो में देने हैं, सैक्रिफाइजिंग रेशो में, और वो 1:1 है. किस से लेंगे पैसे 4,000 रुपए, जेट से. बोलो बात आई आप लोगों को समझ में, कर लोगे घर जाकर, उतारना है, वेरी गुड, शाबाश. चलो इससे अगले क्वेश्चन पर एक बार आ जाएं. कहता है ए बी 2:1 की रेशो में, किस रेशो में है, आ गया 1/4 शेयर के लिए. सी कितने पैसे लाया कैपिटल के, और 8,000 आउट ऑफ हिज 10,000 फॉर गुडविल, कितने में से कितने लाया कितने नहीं लाया. तो एबल कितने हैं, 8,000, 8,000. अनेबल कितने हैं, अच्छा, बिफोर एडमिशन गुडविल अपीयर्ड इन बुक्स एट ₹18,000. क्या कहता है, एडमिशन से पहले क्या हुआ, हां जी, एडमिशन से पहले क्या हुआ, गुडविल अकाउंट पहले से अपीयर थी, तो हम उसे क्या कर देंगे, डिसअपीयर. अपीयर को क्या कर देंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे. कितनी गुडविल थी, तो चलिए उसे डिसअपीयर करें. पहले हम ये गुडविल कितने से राइट ऑफ करेंगे, 18,000 से. कितने से, 18,000 से. फिर उसके बाद पैसा कितना मंगाओगे आप लोग, कैपिटल के भी तो आ रहे हैं, कैपिटल के कितने आ रहे हैं, गुडविल के कितने आ रहे हैं, तो कैपिटल के ला रहा है 30,000, गुडविल के आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 38,000, कितने, जोर के बोलिए, 38,000 रुपए, 38,000 रुपए. इसमें से जो प्रीमियम क्या है उसे लिखो 2 प्रीमियम अकाउंट, क्या लिखोगे, और जो कैपिटल के उसे लिखेंगे 2, किसका, उसका नाम भी तो है कुछ, उसके मम्मी पापा ने कुछ, उसका नाम भी तो कुछ रखा होगा, चंपू पंपू कुछ रखा होगा, पप्पू नाम रखा होगा, क्या नाम रखा है, सी, 2C कैपिटल अकाउंट, 30,000, ठीक है ना, बता क्या नाम रखा है, सी. अब उसके बाद प्रीमियम जितने से ग्रेड उतने से 2, 2A और 2B, बोलो सही है. और इसके बाद सी कैपिटल अकाउंट डेबिट अनेबल वाले पेमेंट से, और AB में बट जाएगा, बोलो कर लेंगे. आप जो आज आप नई क्लास में आज पहली बार आए हैं, क्या नाम है आपका, राहुल, कर पाओगे ये क्वेश्चन, हो पाएगा, इसे कॉपी कर लो और फिर वो घर पे करना है. चलिए उतार लीजिए.
मैं इसे कॉम्पैक्ट कर सकता हूँ, तीसरी और चौथी को चिपका सकता हूँ, क्या मैं इसे कंबाइन कर सकता हूँ? तो जवाब है हाँ, ऐसा कर सकते हैं। वो कह रहा है सर पेपर में कोई गलत तो नहीं कर देगा? नहीं। कोई नंबर तो नहीं काट देगा? नहीं। तो फिर चलो फिर ऐसे ही कर देते हैं। प्रीमियम डेबिट 5000, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 4000, 2x और 2y और 9000 रुपीज xy में आप बांट दीजिए। समझ में आ गया आप लोगों को? वो भी बिल्कुल एकदम करेक्ट एंट्री है। बोलो सही है? ठीक है जी। अभी अभी आपने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया क्या कि जब वो कुछ पैसा ला रहा है और कुछ पैसा नहीं ला रहा है, ठीक है। अब जरा सामने देखो, इधर देखो, 9000 गुडविल लानी है और वो बिल्कुल भी नहीं लाए, तो सारा का सारा अनेबल हो गया, पूरा का पूरा 9000, और एबल क्या हो गया? कुछ नहीं ला रहा। इसलिए ऐसे हालत में बैंक वाली एंट्री तो होगी नहीं और ये वाली एंट्री भी नहीं होगी, सिर्फ ये होगी। बोलो कितने से? 9000 से। और ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हो जाएगी। तो अगला जो टाइप है क्वेश्चन नंबर 35, वो यही वाला टाइप है। मिल गया? आइए देखिए जरा 35। दो पार्टनर्स हैं और उनकी बुक शो कर रही है गुडविल 2000 का। तो ये कौन सी गुडविल है? ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल को राइट अप करेंगे किस किस पार्टनर में? रेशो क्या उनकी? ओल्ड रेशो कितना हो गया? और इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है? सी इज एडमिटेड विद 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड ब्रिंग्स 10000 इज कैपिटल। कहता सी आ गया 1/4 शेयर के लिए और लाया है 10000 रुपए अपनी कैपिटल। कितने लाया है? बट इज नॉट एबल टू ब्रिंग इन कैश और गुडविल ऑफ रुपीज 3000। वो कैपिटल के तो लाया है लेकिन गुडविल के? तो जो कैपिटल के लाया है उतने तो ले लो आप। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 2C's, और फिर इसके बाद प्रीमियम लाता तो प्रीमियम डेबिट करते। अब किसको डेबिट करेंगे हम? कितने से? अनेबल से, जो नहीं लाया वो। और ये किस में बढ़ जाएगा? किस रेशो में? थ्री टू टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में? आइए इससे अगले क्वेश्चन 36 पर चलते हैं। ये करने की जरूरत नहीं है लेकिन बस वैसे ही बात कर लेंगे ना, घर पे भी मत कीजिएगा, बेकार क्वेश्चन है। कहते हैं ऑन द एडमिशन ऑफ राव इट वाज एग्रीड द गुडविल ऑफ मूर्ति शाह शुड बी वैल्यूड 30000। कहते जब एक नया पार्टनर आया तो ये एग्रीमेंट हुआ कि गुडविल जो है 30000 की वैल्यूड होगी। ये कौन सी गुडविल है? ओल्ड गुडविल नहीं है कहीं, कोई सोचे ओल्ड है? ओल्ड होती तो यहां लिखा हुआ होता इट इज ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स। ये लिख रहे शुड बी वैल्यूड, होनी चाहिए, ठीक है। राव इज टू गेट 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट, प्रीवियसली मूर्ति शाह शेयर इन द रेशियो 3:2। नए पार्टनर को कितना शेयर दे रहे हैं? 1/4। और वो कितने रेशियो के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए। और इससे पहले दोनों पार्टनर किस रेशियो में थे? 3:2 में। तो अब भी 3:2 में रहेंगे लेकिन रिमेनिंग शेयर में। राव कैन नॉट ब्रिंग एनी कैश, राव कुछ नहीं लाया, गारंटी बनानी है मूर्ति शाह में अगर गुडविल अकाउंट ना हो तो। जब गुडविल अकाउंट नहीं होती तो क्या एंट्री करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। बोलो भाई, ओल्ड गुडविल तो डिसअपीयर करेंगे नहीं, अगर गुडविल होती तभी तो डिसअपीयर करते। बोलिए, अब राव से गुडविल का पैसा अगर मंगवाते तो कितना मंगवाते? 30000 का 1/4, 30000 का 1/4, 7500 रुपए। कितना? 7500 रुपए। हम कहते भाई अभी अभी हमने शुड बी वैल्यूड 30000 रुपए होनी चाहिए, तो
तुझे वन फोर्थ के लिए पार्टनर बना रहे हैं तो तुझे 7,500 रुपए लाने चाहिए, तुम लेकर आओ। उसने कहा मैं नहीं ला सकता, मैं अनेबल हूं। हमने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हारे कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। गुडविल अकाउंट थी नहीं फर्स्ट केस में, तो कोई गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं होगी, बट डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। राव कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500 रुपए, 7,500 टू मूर्ति शाह, 3-2 की रेशो में। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड कहता है अगर गुडविल पहले से 10,000 रुपए अपीयर है तो क्या करेंगे, डिसअपीयर। तो पहले आप डिसअपीयर करो, डिसअपीयर कितने से करेंगे, टू गुडविल 10,000, पुराने पार्टनर मूर्ति शाह, ओल्ड रेशो में 3-2 में। फिर उसके बाद पैसा तो कुछ लाया नहीं तो ये एंट्री होगी नहीं, और डायरेक्ट राव डेबिट 7,500 रुपए, सॉरी, और 2A 2B हो जाएगा। बोलो कर पाओगे? तो स्टूडेंट्स यहां तक सभी क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, अब सिर्फ और सिर्फ रह गया है हिडन गुडविल। क्या रह गया है? नेक्स्ट वीडियो क्लास में मैं हिडन गुडविल लेकर आ रहा हूं, क्या लेकर आ रहा हूं, और हिडन गुडविल को समझाने के बाद जो भी छोटे मोटे क्वेश्चन इसमें रह गए हैं हम उसको 41 तक निपटा देंगे। कहां तक निपटा देंगे? और फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के सभी केसेस बिल्कुल फिनिश। बोलो करेक्ट है? कुछ एक इलस्ट्रेशन भी आपको थोड़ी स्टडी कराऊंगा, और फिर उसके बाद हम लोग मेन क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो आज की क्लास यहां पर फिनिश करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।